वेलकम टू माय चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर। यहाँ पर आपको मिलता है नॉलेज, बीन गया कॉलेज, साथ में सुपर से ऊपर इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। वो है यूट्यूब पे जो व्यूज आता है, जो डिफरेंट सोर्स से, ट्रैफिक सोर्स से व्यूज आता है, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। मतलब आपका जो ऑडियंस या फिर व्यूअर्स आपका जो वीडियो देख रहे हैं, जो आप YouTube में वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपका जो व्यूज आ रहा है, तो ये कौन कौन सा सोर्स से आपका ऑडियंस या फिर व्यूअर्स आपका वीडियो देख रहे हैं, तो आज मैं इसी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि आपका जो वीडियो में जो व्यूज आता है, ये कौन सा सोर्स से आपका वीडियो पे व्यूज आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा YouTube पे जो व्यूज कहाँ से आते हैं एंड कैसे आते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, तो पहले आपको YT स्टूडियो में आपको जाना होगा। तो YT स्टूडियो में क्लिक करना होगा। YT स्टूडियो में क्लिक करने के बाद देखिए कंटेंट में आपको जाना होगा। कंटेंट में जो जो आपका वीडियो है, ऐसा ऐसे वीडियो आएगा आपके सामने। तो इसी के तो इसके ऊपर कोई भी एक वीडियो मान लीजिए, मैं ये वीडियो मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये वीडियो का जो एनालिटिक्स मैं चेक करके देखूंगा कि कहां पर कि जो इस वीडियो में व्यूज़ कैसे आ रहा है। तो ये वीडियो के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो देखिए ये वीडियो मैंने क्लिक किया। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं मेरा ये एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वीडियो जो व्यूज़ आया है, कौन सा सोर्स से ये व्यूज़ आया है। तो देखिए, ये जो वीडियो है, हाउ टू यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ऑन फोन, मोबाइल से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कैसे करें बोल के ये जो वीडियो है। तो इसमें देखिए, तो पहले चले जाते हैं गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे। तो यहाँ पर जाने के बाद रीच में जाते हैं। रीच में जाने के बाद देखिए, देखिए हाउ व्यूअर्स फाइंड दिस वीडियो, ठीक है। हाउ व्यूअर्स फाइंड दिस वीडियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये वीडियो, मुझे ये व्यूज कौन सा सोर्स से मुझे व्यूज आया है और व्यूअर्स देखा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहले वाला जो फास्ट जो ऑप्शन है, जो पहले वाला जो सोर्स है, ये है यूट्यूब सर्च। तो यूट्यूब सर्च से मेरा 61.2% व्यूज आया है। देखिए देखिए, यूट्यूब सर्च से आया है 61.2% व्यूज। तो यूट्यूब सर्च 61.2% आया है। तो इसके बारे में मैं आपको साथ बोलूँगा, जो यूट्यूब, जो आप मान लीजिए कोई अगर आपका ये वीडियो सर्च कर रहा है कि लाइव स्ट्रीम कैसे करें या फिर यूट्यूब पर लाइव कैसे करें, अगर ये अगर वीडियो उनको सर्च से, यूट्यूब सर्च से अगर आ रहा है, तो यहाँ पर यूट्यूब सर्च हिसाब से ये काउंट होगा। देन देखिए, सेकेंड जो ऑप्शन है सजेस्टेड वीडियो। सजेस्टेड वीडियो का मतलब है, देखिए सजेस्टेड वीडियो 15% सजेस्टेड वीडियोस से आया है। सजेस्टेड वीडियो मींस सजेस्टेड वीडियो यूट्यूब जो न्यू जो व्यूअर्स है, ठीक है, यूट्यूब जो न्यू व्यूअर्स है उनको आपका ये वीडियो सजेस्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा आपके चैनल के लिए भी एक एंड आपका वीडियो के लिए भी बहुत अच्छा है कि यूट्यूब आपका वीडियो जो न्यू जो व्यूअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर है उनको सजेस्ट कर रहा है। आपका अगर व्यूज सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही, आपका चैनल के लिए ये बहुत ही एक बेनिफिशियल है और आपका चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। देखिए, थर्ड जो ऑप्शन है वो है ब्राउज फीचर्स। देखिए ये वाला जो है थर्ड ऑप्शन है ब्राउज फीचर्स से मेरा आया है 8.5%। अगर किसी का अगर ब्राउज फीचर्स से व्यूज आए, ब्राउज फीचर्स का मतलब है आप अगर जब यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, आप जब यूट्यूब जब आप ब्राउज करेंगे, तो आपका जो फ्रंट पेज में जो वीडियो आता है वो है ब्राउज फीचर्स से आता है। ब्राउज फीचर्स और एक से आता है कि आपको अगर किसी ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है, तो उनका भी
यूट्यूब जब वो ब्राउज करेगा तो यूट्यूब का जो होम पेज है, जो होम पेज में जो वीडियो आएगा वो भी ब्राउज फीचर्स से आता है, ठीक है। यानी ब्राउज फीचर्स से जो व्यूज आता है वो आपका सब्सक्राइबर भी हो सकता है और न्यू व्यूअर्स भी हो सकता है, यानी दोनों के पास ही ये ब्राउज फीचर्स से व्यूज आता है। यानी जो आपको सब्सक्राइब करके रखा है उन वो भी आपका वीडियो देख रहा है, और जिन्होंने आपको सब्सक्राइब करके नहीं रखा है उनका भी अगर वो भी आपका वीडियो देखेगा तो भी ब्राउज फीचर्स से व्यूज आता है। देन देखिए नेक्स्ट है एक्सटर्नल। देखिए मेरा जो फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ वाला जो सोर्स है वो है एक्सटर्नल व्यूज। देखिए एक्सटर्नल से 5.2% मेरा व्यूज आया है। एक्सटर्नल व्यूज मतलब है आपका यूट्यूब को छोड़ के जो डिफरेंट जो अदर्स जो सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसमें अगर कोई आपने आपका वीडियो आपने अगर शेयर किया है थ्रू शेयर से अगर कोई व्यूज आता है तो ये एक्सटर्नल व्यूज में काउंट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप भी शेयर कर सकते हैं या फिर आपका कोई फॉलोअर यहाँ पे सब्सक्राइबर वो भी आपको अगर आपका वीडियो अगर कोई सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसमें अगर शेयर किया है अगर और कोई बंदा अगर वही लिंक से वो अगर देख रहा है आपका वीडियो तो वो एक्सटर्नल सोर्स से एक्सटर्नल सोर्स में काउंट होता है। देन देखिए जो ऑप्शन है चैनल पेज, देखिए नेक्स्ट आ रहा है चैनल पेज। इसमें मेरा 4.3% का व्यूज आया है इस वीडियो में। चैनल पेज का मतलब है जो आपका चैनल ओपन करके यानी आपका चैनल में जाके देन आपका वीडियो देख रहा है, ठीक है। पहले आपका चैनल ओपन कर लिया सर्च करके या फिर मान लीजिए सर्च करके या फिर आपको ऑलरेडी अगर कोई बंदा सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको चैनल में जाके अगर कोई आपका वीडियो देखेगा तो ये व्यूज आता है चैनल पेजेस से, ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन। इस वीडियो में मेरा 1.4% व्यूज आया है। नोटिफिकेशन मतलब आप जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अगर किसी ने आपको सब्सक्राइब करके रखा है आपका चैनल को तो उनका नोटिफिकेशन में वो थ्रू नोटिफिकेशन उनको अगर आ रहा है कि आपने वीडियो अपलोड किया है और वो अगर वो वीडियो थ्रू नोटिफिकेशन देख रहा है तो उनका तो आपका ये व्यूज नोटिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट और अननोन। डायरेक्ट और अननोन जो है देखिए यह है डायरेक्ट और अननोन 1.2%। डायरेक्ट और अननोन जो सोर्स होता है, डायरेक्ट और अननोन मतलब ये यूट्यूब को मालूम नहीं है कि ये व्यूज कहाँ से आ रहा है। जनरली कोई थर्ड पार्टी ऐप से हो सकता है और मतलब डायरेक्ट और अननोन का मतलब है यूट्यूब को ही ये अननोन है कि ये व्यूज कहाँ से आ रहा है। जनरली थर्ड पार्टी ऐप्स में अगर आपका कोई वीडियो शेयर कर रहा है अगर वो व्यूज अगर थर्ड पार्टी ऐप से आ रहा है तो ये डायरेक्ट और अननोन का व्यूज से काउंट होता है। देन देखिए देन ऑप्शन है हैशटैग पेजेस। देखिए हैशटैग पेजेस 1.2% व्यूज आया है। हैशटैग पेजेस मतलब जब आप कोई वीडियो डाल रहे हैं हैशटैग डाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये लाइव स्ट्रीम वाला मैंने एक वीडियो बनाया कि लाइव स्ट्रीम कैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कैसे करें, तो मान लीजिए मैंने कोई हैशटैग दिया हैशटैग लाइव, हैशटैग लाइव स्ट्रीम, हैशटैग यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, हैशटैग यूट्यूब लाइव बोल के जो मैंने हैशटैग दिया है अगर वही हैशटैग अगर कोई एंटर करेगा यूट्यूब पे जाके तो उनको ये वीडियो शो करेगा, और अगर कोई व्यूअर्स अगर वही हिसाब से ये वीडियो देख रहा है तो ये व्यूज हैशटैग पेजेस में काउंट होगा। देन आ रहा है देखिए अदर यूट्यूब फीचर्स। देखिए अदर यूट्यूब फीचर्स इसमें मेरा 1.1% व्यूज आया है। अदर यूट्यूब फीचर्स का मतलब है किसी ने आपका चैनल लॉगिन करके नहीं रखा है, मान लीजिए किसी का कोई आपका वीडियो देख रहा है लेकिन वो कोई ईमेल आईडी से उनका चैनल लॉगिन करके नहीं रखा है,
ठीक है, वो डायरेक्टली विदाउट लॉग इन, विदाउट लॉग इन ऑफ यूट्यूब चैनल वो वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो वो जो व्यूज आता है वो है अदर यूट्यूब फीचर से, ठीक है। मान लीजिए कोई बंदा, उनको जनरली क्या होता है कि यूट्यूब चैनल में जनरली होता है कि कोई बंदा मान लीजिए उनका ईमेल आईडी से लॉग इन करके यूट्यूब चैनल वो ब्राउज कर रहा है, तो आपका वीडियो वो आइदर यूट्यूब सर्च या फिर सजेस्टेड वीडियो ब्राउज फीचर्स से आएगा। लेकिन अगर किसी ने यूट्यूब चैनल विदाउट लॉग इन करके वीडियो देख रहा है तो अदर यूट्यूब फीचर्स से आपका व्यूज आएगा। मतलब अगर कोई व्यूअर्स उनका यूट्यूब चैनल को लॉग इन ना करके विदाउट लॉग इन का चैनल जो साइन इन बोल के जो ऑप्शन आता है ना यूट्यूब पे, साइन इन मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड देने के बाद यूट्यूब चैनल लॉग इन होता है, तो अगर कोई बंदा साइन इन विदाउट साइन इन करके यानी डायरेक्टली वो साइन यूट्यूब चैनल में साइन इन ना करके अगर आपका वीडियो देख रहा है तो वो व्यूज अदर यूट्यूब फीचर्स में काउंट होगा। देन जो ऑप्शन आ रहा है प्लेलिस्ट पेज, प्लेलिस्ट पेज से देखिए मेरा 0.5% व्यूज आया है। प्लेलिस्ट पेज मतलब जो आपका, आपने अगर कोई प्लेलिस्ट बना के रखा है और आपका व्यूज अगर वो प्लेलिस्ट, कोई आपका चैनल में जाके प्लेलिस्ट ओपन करके आपका वीडियो देख रहा है तो ये व्यूज प्लेलिस्ट पेज में काउंट होगा। एंड लास्ट देखिए यहाँ पर है एंड स्क्रीन, एंड स्क्रीन से भी व्यूज आता है। एंड आपने अगर आपका वीडियो पे एंड स्क्रीन लगा के रखा है और अगर कोई व्यूअर्स वो एंड स्क्रीन से आपका वीडियो देख रहा है तो ये व्यूज एंड स्क्रीन में काउंट होगा। मतलब मान लीजिए आपने कोई दूसरा कोई एक वीडियो आपने बनाया है एंड उसका लास्ट में आप यो का एंड स्क्रीन आपने लगा के रखा है, वो पहले वाला वीडियो देखने के बाद लास्ट में जो एंड स्क्रीन आता है तो थ्रू एंड स्क्रीन आपका अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपका व्यूज एंड स्क्रीन में काउंट होगा। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने जान भी लिया होगा कि यूट्यूब में जो आपका व्यूज आता है, जो ट्रैफिक सोर्स जो आता है व्यूज का, वो कौन सा टाइप का ट्रैफिक सोर्स, यहाँ पे कौन सा सोर्स से आपका व्यूज आता है। मैं लास्ट में एक कॉन्क्लूशन देना चाहूंगा आपका चैनल के बारे में या फिर आपका वीडियो के बारे में कि आपका अगर वीडियो यूट्यूब सर्च ब्राउजिंग फीचर्स सजेस्टेड वीडियो और यूट्यूब रिकमेंडेशन से आपका व्यूज आ रहा है तो आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है आपका, और आपका चैनल भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और आपका अगर डायरेक्ट और अननोन एंड एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है तो भी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका वीडियो फिर भी चलेगा। लेकिन आपका अगर ज्यादा यूट्यूब सर्च ब्राउजिंग फीचर्स एंड यूट्यूब रिकमेंडेशन या फिर सजेशन से आता है तो आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। एंड आपका अगर वीडियो में डायरेक्ट और अननोन और एक्सटर्नल सोर्स से आता है तो आपका वीडियो उतना ज्यादा वायरल नहीं होता है, यानी उतना व्यूज नहीं आता है, थोड़े कुछ व्यूज आने के बाद आपका वीडियो रुक जाता है। तो इसी पे आप ध्यान दीजिएगा, आपका अच्छी तरह से आपका वीडियो का जो आप एसईओ आप कीजिएगा, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल आप अगर अच्छा आप अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो यूट्यूब सर्च या फिर ब्राउजिंग फीचर्स या फिर यूट्यूब सजेशन या फिर रिकमेंडेशन से आपका व्यूज आएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।